सो गाइस आज का हमारा बफे ब्रेकफास्ट रेडी है। मोमोक्स इज ऑन हेल्दी डाइट, इसलिए फ्राइज खा रहे हैं। और हमारे आर्टिस्ट साहब भी भाई कहते फुल डाइट पे है, बॉडी बनाने का है। बट भाई मैं खाएगा सब मिक्स, ये सबके लिए है, ये मेरा ब्रेकफास्ट है। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, जय श्री राम दोस्तों, एक और नए दिन और एक और नए ब्लॉग में भाई आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो भाई अभी मैं आया था, ये है भाई सरोवर पोर्टिको। सरोवर पोर्टिको में होता है भाई, आज एक बिजनेस रिलेटेड मीटिंग थी, ठीक है, फ्री हो गया हूँ भाई मीटिंग से। और अभी आपको सारी चीज़ें बताऊँगा क्या कुछ था यहाँ पे, क्या कुछ मीटिंग थी। अभी मेरे दोस्त लोग आए थे भाई मेरे साथ में, जो मैंने अभी आपको दिखाया, तो उनके साथ में भाई मीटिंग वगैरह अटेंड की। अब चल रहा हूँ घर पर, और भाई अभी बस गाड़ी में बैठे ही थे तो हमारे भैया जी हमें मिले। कैसे हो भैया जी? बस बहुत मजे में। और क्या आपने अभी चैनल सब्सक्राइब किया? हाँ, मैंने आपका नाम देखा अतुल दहिया व्लॉग्स करके। जी जी, मैंने देखा कि यूट्यूब पे इंस्टा पे आपका रील बनता रहेगा तो अच्छा लगा, फिर मैंने आपकी आईडी को देख के मैंने फॉलो किया। फिर फॉलो करने के बाद मैंने आपकी रील देखी तो काफी अच्छी थी, फनी थी, मजा आ रहा था मेरे को। चलो थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। सुबह सुबह भैया जी ने हमारा दिन बना दिया, क्योंकि मैं जैसे ही अभी गाड़ी में बैठने के लिए आया तो भैया जी ने बोला, भैया मैंने आपका चैनल सब्सक्राइब किया है और अच्छी लगी आपकी रील्स और वीडियोस, भैया थैंक यू सो मच। तब चलते हैं भाई अपना कोर्ट का, वैसे तो टाइम हो गया है, यहाँ से मैं डायरेक्ट कोर्ट भी जा सकता हूँ, तो भाई मैं सोच रहा हूँ कोर्ट ही चला जाऊँ, इधर उधर जाने से बेटर है। ब्रेकफास्ट वगैरह हमारा प्रॉपर हो ही गया है यहाँ पे सरोवर पोर्टिको, काफ़ी अच्छा होटल है और रिसेंटली ही ओपन हुआ है भाई। ये बेसिकली क्या है, ये है हमारे बिजनेस एक्सपेंड कराने की। मान लीजिए मैं एडवोकेट हूँ, मेरा पेट्स का भी काम है, या मतलब कोई आप में से कोई मेकअप आर्टिस्ट है, आप में से कोई CA है, आप में से कोई भाई आर्किटेक्ट है, तो BNI बेसिकली बिजनेस अपॉर्चुनिटीज देता है आपको, और वो काम करते हैं भाई रेफरल पे, ठीक है। इनका खुद का इतना मतलब, इनके खुद के मेंबर्स इतने ज़्यादा हैं। और दूसरी बात ये है कि अगर सोनीपत से ये कैटेगराइज कर रहे हैं तो अगर एडवोकेट है तो ये एक ही एडवोकेट को लेंगे और सब लोग उनको फिर रेफर करते हैं कि हाँ भाई ये रेफरेंस है, ऐसे ऐसे, तो इस तरीके से काम करता है भाई। और आज मैंने यहाँ पे खुद को रजिस्टर कराया था एज अ पेट्स एंड पेट सप्लाईज में, बट देखते हैं भाई ज्वाइनिंग का तो कैसे है, क्योंकि ज्वाइनिंग में एक है कि एवरी थर्सडे यू हैव टू बी प्रेजेंट हियर, हर थर्सडे को भाई आपको यहाँ आना पड़ेगा तभी आप कर सकते हैं। तो चलते हैं हम भी कोर्ट में, कोर्ट का हो गया भाई टाइम। Meanwhile, so guys, मीटिंग से मैं आ गया हूँ घर पे, और अभी भाई दो चीज़ें रहती थी, एक तो जूस पीना और एक भाई टीका लगाना। तो टीका लगा के जूस पी के हम जाएंगे कोर्ट में अपना। माय जूस इज रेडी। सो भाई अपना टीका लग गया, जूस पी लिया और अपना लंच चले गए, अब चल पड़े हम कोर्ट में। लो भाई टाइम हो गया भाई लंच का, ये रहे अपने लंच। मरम है नहीं भाई, छोरे का हेयर स्टाइल देखो यार, लंच रेडी, पूरे बैग भी का मलन चाओ भाई नहीं कह रहा। तो चलो भाई अब चलते हैं लंच करने। 2000 years later। हेलो, तो आप लोगों का भी YouTube चैनल है, किस नाम से है बताओ? सोनल डांस क्लब। सोनल डांस क्लब, यही लिखना है ना, सोनल डांस क्लब। तो भाई हमारी प्यारी सी गुड़िया है सोनल डांस क्लब से, नाम के नाम से गुड़िया का चैनल है, तो आप सब भी चेकआउट करना, बहुत अच्छी डांस वीडियोस बनाते हैं ना। चलो आप तो रिक्वेस्ट करो सबको सब्सक्राइब करने की, सारे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, और मेरे चैनल को भैया के चैनल को भी सपोर्ट करो बहुत ज्यादा। आप लोगों ने किया सबने? हाँ मैंने करा, पक्की बात है ना। आपका क्या नाम है? अयान गोयल, मेरा नॉर्मल नेम अयान है। नॉर्मल नेम अयान है, और एब नॉर्मल नेम? नॉर्मल नेम अयान गोयत ही आपका नाम है, वही नॉर्मल नेम है। सर नेम है मैं गोयत है। हाँ, जैसे मैं दहिया हूँ। तो आपका भी चैनल है? हाँ, मेरा भी चैनल है।
ओ तेरी, क्या क्या नाम है आपके चैनल्स का? मेरे एक ही है। क्या नाम है? प्रीत रंजन। क्या बनाते हो आप? मैं वीडियो। गेमिंग वाली है? नॉर्मल? नहीं नॉर्मल। ओके तो भाई छोटू के चैनल को भी सब्सक्राइब करना। आपका क्या नाम है? आयान। आपका भी आयान गोयथ के नाम से। आप क्या बनाते हो? वीडियो? हाँ नॉर्मल। तो भाई ये छोटे छोटे यूट्यूबर्स हैं बहुत सारे, सबके चैनल्स को सब्सक्राइब करना है। आप भी बताओ अपने चैनल। गिनी एंड लक्ष। GINNINAKSH तो भाई सबके चैनल को सब्सक्राइब कर लो जो जो हमें फॉलो कर रहे हैं। ओके गाइस बाय बाय बाय। सो भाई अभी जिम में जा रहे थे तो जिम के सामने वाली गली में ये सारे बच्चे रहते हैं भाई। तो ये ना कुछ दिन से ऐसे हेलो हेलो करते थे मैं, क्योंकि इस गली में कभी कभी आना जाना होता है। और ये भाई सारे हमारे सब्सक्राइबर भी हैं। तो आज बोले भैया हमारे भी चैनल को सपोर्ट कराया, तो मैंने कहा भाई बिल्कुल कराएंगे। तो भाई आप सब भी चेकआउट करना बच्चों के चैनल को और सपोर्ट करना, क्योंकि आप यही तो है जो हम कर सकते हैं भाई, सपोर्ट। तो भाई आज का हमारा वर्कआउट हो गया है कंप्लीट और हम चल पड़े भाई जिम में। बोल्डी भैया मैं हरवन सुबियार है भाई। जिम जाने से भी और जिम में जाने से भी बॉडी बना कर उधर रखे। हाँ कोई सा मिस नहीं करना चाहिए भाई, जिम भी और जिमना भी। तो कि चल पड़े भाई साहब हम चले भाई। हमारे दोस्त हैं विक्की पंडित जी, उनके पापा की आज रिटायरमेंट है तो उन्होंने खाना कर रखा था, आज हम वहाँ जा रहे हैं भाई दावत पे। आज का डिनर विक्की के नाम। भाई भैया का फंस गया भाई छोरा आज। यो कल ही गल छोर कब करा गए ये बात है। बस बढ़िया जिम में नहीं, तू ही ना जिम में ले रहा है। भाई साहब पहला हाजरी आने लग है क्या गुंडा बनेगा रे तू। ये दो बड़क दिख गए ना विभिन्न गेला भाई साहब मेरा क्या करेंगे, क्या करोगे भाई साहब? वो तो यही जाना है पहले तो इनके दिल में धक धक हो रही होगी ये बात भाई। यही पे फंस गए भाई साहब ने ना अड़ा ये चाट पकौड़ी खाते कुछ ना करे भाई साहब। कल ही इनका लेग डे है, परसों एक दिन का रेस्ट देगा फिर लेग डे इनका। चीटिंग करता है तू, चीटिंग 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 करता है तू। और लेग डे भाई हमारे पास तो भाई ये जो छुट्टी मार है ना और जो लेग ने मिस करा है वो आपने हमारी वीडियो भी देख ली होगी इंस्टाग्राम पे, तो जो मिस करता है ना लेग को उसको फिर हम इसी तीसरी करके रखा करें भाई। लेग बहुत ज्यादा जरूरी है, लेग से ही टेस्टोस्टेरोन हमारा अप होता है और उसी से बॉडी बनती है हमारी। A few moments later. Meanwhile. तो भाई अभी मैं आया था यहाँ किसी काम से और मैं दोस्त की गाड़ी में बैठा था, तो मैंने देखा भाई ये भाई है ना गाड़ी के साथ फोटो वोटो ले रहा था, तो मैंने प्रॉपर भाई मैंने कहा भाई मैं ही शूट करता हूँ, आओ गाड़ी में बैठो आराम से रील वील बनाओ भाई। ये ना छोटी छोटी खुशियाँ होते हैं जो आप दे सकते हो लोगों को और आपको देनी चाहिए। सो भाई घर आ गया जिम से, अपना डिनर वगैरह कर लिया, चेंज कर लिया और अभी बस बच्चों का खाना ठंडा हो रहा है। बच्चों का खाना दे के भाई फिर मैं निकलूँगा मुरथल रात को तकरीबन 9:30 के करीब। हमारे एक वकील साथी है भाई, उनके लिए एक जर्मन शेफर्ड का बच्चा मंगवाया था तो वो पिक करने जाना है जहाँ यूजुअली मैं जाता हूँ। खाना खा लिया तो अभी भाई बच्चों को खाना दूंगा, फिर उसके बाद निकलेंगे मुरथल के लिए, उसके बाद करेंगे भाई आने के बाद ब्लॉक को एंड। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर आज तो भी बच्चों का खाना ठंडा ही हो रहा था, बारिश होगी शुरू तो भाई ऊपर वालों का खोल दिया मैंने नया वाला कमरा खून को। ये उस कमरे में रहेंगे बड़े वाले, उसमें रहेंगे। देखो भाई बारिश हो गई है शुरू, पर ये है कि गाड़ी वाड़ी होगी नीचे सो जाएंगे ये आराम से ना। खा लो भाई खा लो, तब तो ये खा रहे हैं, बाकियों को भी दे दूँ भाई जल्दी से खाना। चल पड़े हम भी बारिश के मौसम। ओहो पूरे बादल गरज रहे हैं, पर भाई काम तो करना ही है। ले ओ भाई कटी पटापट पटापट, चलो भाई जल्दी से पहुंचते हैं मुरथल।
और डिनर वगैरह तो मैंने बताया मैं करके आया हूँ, तो बर्फी वाला वगैरह पे कहीं नहीं जाएंगे भाई। लो भाई हम आ गए बर्फी वाले पे, ठीक है, पर भाई आज कुछ नहीं खाएंगे कुछ नहीं पियेंगे, रात हो गई भाई लस्सी पी नहीं सकते, गर्म इनके पास कुछ होगा नहीं, और भाई जरूरी भी नहीं है कि हर बार आए और कुछ खाएं पिए। 2000 years later. लो भाई शैतान बच्चा आ गया है हमारा, और देखो रुका नहीं जा रहा, इससे ऊपर चढ़ रहा है, ऊपर चढ़ रहा है, और भाई देख लो डॉग्स को मेरे से कितना प्यार है, रह नहीं पा रहा है मेरे से दूर। चलो बेटे, चलो भाई टाइम हो गया ज्यादा ही, देखो भाई टाइम हो गया 9:50, और अब चलते हैं भाई हमारे वकील साहब को देने बच्चा रास्ते से, भाई इसके लिए जो फूड वगैरह लिया है देखो। हाँ, ये देख लो भाई नवाब जी को देख लो, खुद चढ़ के बैठ गया भाई, इसका सामान ले लिया, अब देखो अपने सामान के ऊपर अब जाके ये शांति से बैठा है ना, तो भाई इतनी आफत मचा रहा था तब से, अब इसको पता है ये इसका सामान है, देखो कितना क्यूटली बैठा है ना प्यारा। Meanwhile, तो भाई समय हो गया है 10:32 का, और अभी भाई हमने दे दिया हमारे वकील साहब को और सारी चीजें समझा दिया भाई, फूड वूड उसकी हर चीज मैंने भाई उनको दे दी है, किसी को भी डॉग लेना भाई तो उसको मेरे से लेने का क्या फायदा है, मैं फूड वूड सारी चीजें साथ ला के देता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को परेशान ना होना पड़े, बाकी कंपलसरी नहीं है आप कहीं से भी ले सकते हो, बट बेस्ट रेट तो आपको पता है भाई मैं ही दे पाऊंगा, और जो हमसे डॉग लेते हैं भाई उनके लिए एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी हमेशा अवेलेबल रहता है, तो ये तो चलो एक मार्केटिंग वाली बात थी, बट हाँ भाई वकील साहब हमारे खुश थे, अच्छा हेल्दी पपी उनको मिल गया है, ठीक है यार, जब भी है ना कोई देखो बिजनेस कहाँ से आता है, बिजनेस आता है रेफरेंस से, ठीक है कोई ना कोई रेफर करता है उस तरीके से, और जब कोई रेफरेंस से मेरे पास आता है ना तो मेरे ऊपर भाई डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्योंकि मेरे को उस बंदे की भी इज्जत रखनी है जिसने वो रेफर किया है, प्लस में मेरे को अपनी भी इज्जत रखनी है, और एक कस्टमर का भाई जो पैसा लग रहा है वो भी भाई पैसा वसूल होना चाहिए, तो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और वो मैं फील भी करता हूँ, और उसी तरीके से भाई फिर काम भी करते हैं, तो आप में से भी किसी को चाहिए भाई, आपके किसी नॉन को चाहिए डॉगी तो बेझिझक आप मेरे को बता सकते हैं भाई, यू नेम द ब्रीड यू विल हैव इट, और इम्पोर्ट भी करा देंगे और तो और छोड़ो, तो चलो भाई मार्केटिंग बहुत होगी, अब करते हैं भाई ब्लॉग को यहीं पे एंड, ठीक है बस घर पहुंचने वाला हूं और घर पहुंच के भाई एडिटिंग करूंगा सोऊंगा, ठीक है, तो आप लोगों को ब्लॉग कैसा लगा भाई जरूर बताइएगा, और भाई मेरे बच्चे मिले रहे भाई आज बहुत सारे, ठीक है मेरी फैन फॉलोइंग है ना थोड़ी सी बच्चों में ज़्यादा है, और जब घर आ रहा था भाई घर के पास भी एक गली में बहुत सारे बच्चे इकट्ठे हो रहे थे, उनको पता होता है कि इस टाइम पे जाता हूँ यहाँ से, तो वो भी सारे भाई ग्रीट कर रहे थे अच्छे से, सारी चीज़ें तो मैं शूट नहीं करता, कुछ शूट करने लायक होती है कर लेता हूँ, तो आप लोगों को भी भाई मिलना है आप जिम में भी आ सकते हैं, आप भाई मंदिर का भी आप लोगों को पता है कहीं भी मिल सकते हैं, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है ना मैं कोई इतना बड़ा सेलिब्रिटी हूँ या मैं भाव खाऊँ, तो भाई आप लोगों को भी कभी दिखूँ कहीं पे तो आप बेझिझक बिल्कुल बोलिएगा भाई, आराम से मिलेंगे सबसे, तो मिलते हैं जल्दी एक और नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।